तो गाइज आज मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ स्ट्रीमर की अनबॉक्सिंग। तो गाइज अब मैं इस स्ट्रीमर से अपनी बियर्ड क्लीन करने वाला हूँ और देख आप इसका साउंड देख सकते हो गाइज, बहुत ही नॉइज साउंड है इस ट्रिमर का। क्या हुआ, कोई बेस्ट ट्रिमर ढूंढ रहे हो? अगर कोई समझ में आ रहा है तो बहुत ज्यादा महंगा होता है और जो सस्ता होता है वो आपको पसंद नहीं आता। तो भैया आज मैं आपके लिए एक ऐसा ट्रिमर लेकर आ गया हूँ कि आपको उसमें बहुत कम बजट में बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिल सकती है। मतलब आपको ट्रिमर महंगा भी नहीं पड़ेगा और आपको पसंद भी आ जाएगा और सस्ता भी मिलेगा आपको। तो भैया देखो, अगर आप एक बेटर ट्रिमर की तलाश में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बोलता हूँ, छोटे छोटे पॉइंट बड़े काम के होते हैं, अगर आपने छोड़ दिए बड़े नुकसान के होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, पूरी देख लेना। पूरी अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाने वाला हूँ इस ट्रिमर की, और इसके बेनिफिट्स और उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्यों लेना चाहिए, आपको सारी चीज़ इसमें आपको दिखाने वाला हूँ। और मेरी आप बियर्ड देख रहे हो भाई, आज मैं आपको पूरा डेमो भी करके दिखाऊंगा, अपनी बियर्ड क्लीन करके दिखाऊंगा ट्रिमर से, ताकि जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो भैया वेट किस बात का कर रहे हो, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। पहले हम इसको निकाल लेते हैं बॉक्स से और इसके अंदर देखते हैं गाइस हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसको रख देते हैं साइड में, पहले हम इस बॉक्स को देख लेते हैं इसमें क्या क्या इसमें दिया गया है, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या क्या मिला है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स पे ये ट्रिमर का एक यहाँ पे ब्रांडिंग दे रखा है, इस टाइप का इसमें ट्रिमर हमें मिलने वाला है, HTC ब्रांड का है। और इसमें आप देख सकते हो भाई यहाँ पे रिचार्जेबल हेयर ट्रिमर, ये इसका मॉडल नंबर AT538, ये इसका मॉडल नंबर है, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसमें कुछ फीचर्स के बारे में दे रखा है, बैक साइड में देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ठीक है। और बाकी और कुछ नहीं है बॉक्स के ऊपर, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ईयर्स वारंटी यहाँ पे दे रखी है। तो चलिए गाइस अब इसको हम साइड में रख देते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिला है। और ये रख दिया हमने इसका पूरा किट सामने आपके, और सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमें ये 4 अटैचमेंट मिल रहे हैं गाइस, आप देख सकते हो। तो अगर आप अपनी बियर्ड वगैरह ट्रिम करना चाहते हैं घर पर, तो इसमें 4 अटैचमेंट दिए गए हैं अलग अलग साइज़ के, तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है आप लोगों के लिए। और अब देखते हैं इसमें और क्या मिलने वाला है हमें, इसमें एक हमें केबल मिल जाती है गाइज, आप देख सकते हो ये हमें केबल मिल जाती है इसको चार्ज करने के लिए, ठीक है। तो ये केबल बहुत बढ़िया है, क्वालिटी अच्छी है केबल की। और इसमें देखते हैं क्या मिल रहा है हमें, और एक आप देख सकते हो इसमें एक ब्रश दिया गया है भाई, इसको क्लीनिंग करने के लिए, सफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मोस्टली सारे ट्रिमर्स जितने भी आप परचेज करते हैं सब में आता है। और इसमें एक हमें ऑयल मिल जाता है देख सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा ऑयल है, ज़्यादा तो नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आग के लिए कोई ड्रॉप दे दिया हो। तो ठीक है, इसको आप ऑयलिंग कर सकते हो ट्रिमर को। अब बात आ जाती है हमारी मेन मुद्दे पे ट्रिमर की, तो हम इस ट्रिमर को निकाल लेते हैं बाहर और देखते हैं भाई कैसा हमें ट्रिमर मिलने वाला है। तो ये पन्नी हमने बाहर निकाल लिया गाइस, और इसको भी साइड कर देते हैं और ये सब सामान साइड कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गाइस ये हमें ट्रिमर ये हमें मिल गया यहाँ पर, आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो फिनिशिंग है पूरी मेटल की फिनिशिंग है, और ये जो पूरा फिनिशिंग दिया गया है ये वाला बैक वाला, ये पूरा फाइबर का फिनिशिंग है, ठीक है। ये मेटल है पूरा, ये फाइबर है, ये मेटल है और ये पूरा फाइबर है। और हमें जो इसमें ब्लेड मिल जाता है स्टेनलेस स्टील ब्लेड हमें इसमें मिल जाता है, आप देख सकते हो गाइस ये जो ब्लेड इसका बहुत ही शार्प ब्लेड है। तो आप देख सकते हो, अभी आप इसका पूरा एक रिव्यू देख लीजिए। तो आपने इसका पूरा रिव्यू देख लिया, यहाँ से इसको आप चार्ज कर सकते हैं। और बाकी मैं आपको इसकी एक बात और बताने वाला हूँ, आप इसमें जो देख रहे होंगे ना ये वाला इसका जो ब्लेड है, इस ब्लेड में ख़ास बात ये है कि ये जो आपकी ट्रिमर का ब्लेड है ये जब आप ज़ीरो करोगे ना तो ये 0.25 मतलब 0.5 होता है, एक तो उससे कम होता है 0.25, ये ज़ीरो से भी ज़ीरो कर देता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये ट्रिमर वैसे। बाकी इसका साउंड देख लेते कैसा है, साउंड आप देख ही सकते हो गाइस, ज़्यादा साउंड नहीं है, बहुत नॉइज साउंड है इसका, पता नहीं चल रहा कि मेरे पास ट्रिमर है कोई, ठीक है। तो ये था इसका पूरा का पूरा अनबॉक्सिंग। तो गाइस अब मैं इस ट्रिमर से अपनी बियर्ड ज़ीरो करने वाला हूँ और देखते हैं भाई ये कितना ज़ीरो कर सकता है हमारे बियर्ड को। तो अभी आप देख सकते हो भाई काफ़ी हेयर है अभी मेरी बियर्ड के अंदर, ठीक है। तो अब मैं ज़ीरो करता हूँ और देखते हैं कितना ये ज़ीरो करता है हमारी बियर्ड को। तो आप देख सकते हो गाइस मैंने पूरी बियर्ड क्लीन कर ली है इस ट्रिमर से, और आप देख सकते हो पास से आके दिखा देता हूँ,
गाइस मतलब इसने इतना जीरो कर दिया है बियर्ड को कि जैसे सपोज आपने आज शेविंग करी और कल तक आपके बाल ग्रोथ हो जाते हैं, सिर्फ उतना तक इसने पूरा क्लीन कर दिया, मतलब प्रॉपर एक तरह से जीरो कर दिया है। और अगर आप इसको और क्लीन करना चाहते हो इसके बाद आपको शेवर करना पड़ेगा, तो आपकी जो बियर्ड है बिल्कुल रेजर की तरह शेव हो जाएगी एकदम बिना रेजर यूज करे। अगर आप देखना चाहते हो शेवर कैसे करना है अपनी बियर्ड को, शेवर करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे एक वीडियो मिल जाएगी, उसमें शेवर की जो मशीन है मेरी उसमें वीडियो में आप देख लेना, उसमें आप बिल्कुल शेव कर सकते हो अपनी बियर्ड को बिना रेजर का यूज किए, ठीक है। तो बाकी इसके ऊपर हम मुद्दे पे आते हैं, आप देख सकते हो काफी मतलब इसने एक तरह से प्रॉपर शेव कर दी है, बस शेवर और कर देंगे तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। और दूर से आप देख सकते हो, दूर से तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा, बस कोई इतनी पास में आके देखेगा तो ही ऐसे दिखेगा, मतलब थोड़े थोड़े से दाने से नजर आएंगे बस, बट कौन सा लोग मेरे गालों में पप्पी करने आएंगे जो पास में आके देखेंगे, ठीक है ना, तो बहुत है इतनी। तो इससे एक चीज और ये हो जाती है कि आपका फेस ना मतलब अजीब नहीं लगता, बिल्कुल क्लीन नहीं होता, तो ठीक है। तो आई होप आपको ये मशीन अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो और प्लीज वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों को, अगर उनके उनको भी ऐसा कोई ट्रिमर सस्ता सा चाहिए। बहुत बेस्ट प्राइस में आपको ये मिल रहा है, कहीं नहीं मिलने वाले इतने प्राइस में, ठीक है, ये बहुत बेस्ट ट्रिमर है आप लोगों के लिए। तो गाइज अब मैं आपको बताऊंगा इसके बेनिफिट पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट के बारे में, तो हम जानेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स है और क्या नेगेटिव है, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट के बारे में, इसमें दो नेगेटिव पॉइंट आते हैं, सॉरी ये चार हो गए, इसमें दो नेगेटिव पॉइंट आते हैं और मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे नंबर वन पे जो इसका नेगेटिव पॉइंट आता है भैया, वो है इसकी वायर के बारे में। इसकी वायर बहुत छोटी है, आप देख सकते हो गाइज, इसकी जो लेंथ है इसकी लेंथ 2 फुट की लेंथ है, आप देख सकते हो ये 1 फुट हो गया हमारा, इसका डबल ये करके 2 फुट, तो 2 फुट की इसकी इसमें लेंथ दी गई है जो कि बहुत छोटी लेंथ है इसकी। क्योंकि सपोज अगर आप अपने वॉशरूम में अगर आप बियर्ड जीरो करना चाहते हो और आपका जो प्लग है जो सॉकेट है थोड़ा दूर है आपसे, तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इसकी जो वायर है वो बहुत छोटी है, तो आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे बिल्कुल भी। और अब बात करते हैं इसके दूसरे नेगेटिव पॉइंट के बारे में। सो दूसरा इसका जो नेगेटिव पॉइंट है गाइस, वो ये है कि जब इसको आप चार्ज करोगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी जो बॉडी होती है वो हीट होने लग जाती है, और ये ट्रिमर जो है गाइस यहाँ से थोड़ा हीट हो जाता है जब आप इसको चार्ज करेंगे, तो यहाँ से जब इसको आप पकड़ोगे चार्जिंग से निकाल के, तो थोड़ा सा हीटिंग आपको यहाँ पे फील होने वाली है इसमें, ठीक है। कभी कभी नहीं भी हीट होती है, तो इस पॉइंट को हम हाँ ना में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आप अपने हिसाब से कम्फर्टेबल मतलब यूज के हिसाब से कर सकते हो। तो गाइज और अब हम बात करने वाले हैं इसके जो बेनिफिट्स पॉइंट है उसके बारे में, क्योंकि नेगेटिव के बाद आप बेनिफिट भी तो देखोगे ना कि बेनिफिट कितने इसके अंदर। तो चलिए मैं आपको इसके बेनिफिट बताता हूँ कितने पॉइंट है इसके। गाइज नंबर वन पे जो इसका बेनिफिट आता है वो है भैया इसकी रनिंग टाइम कितना है चार्जिंग का। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसको फुल चार्ज करने के बाद ही 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, फुल चार्ज करने के बाद 180 मिनट तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर देखा जाए तो 3 घंटा आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत बेटर ऑप्शन दिया गया है। ये इसका फर्स्ट बेनिफिट पॉइंट था, और अब बात करने वाले हैं इसके सेकंड बेनिफिट पॉइंट के बारे में। तो गाइज इसका जो सेकंड बेनिफिट पॉइंट है वो ये है कि इसकी अगर इसकी बैटरी लो हो जाती है तो आप इस केबल को सीधा यहाँ पे लगा के और ये प्लग में लगा के डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं, तो इसकी जो कॉर्ड है मतलब जो इसका वायर है उसको आप चार्ज करके भी मतलब ट्रिमर को यूज कर सकते हो वायर से, और अगर आपका ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है तो आप डायरेक्ट प्लग में लगा के भी यूज कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इसके थर्ड बेनिफिट्स के बारे में। तो गाइज इसका जो थर्ड बेनिफिट है उसका फायदा ये है कि इसकी जो बॉडी है मेटल और फाइबर से बनी हुई है, जो कि बहुत मजबूत होता है। ये पूरा फाइबर से बना हुआ, जो ब्लैक एरिया आप देख रहे हो फ्रंट पे और बैक साइड पे, पूरा फाइबर से बना हुआ है, और ये जो इसमें आप क्रोम फिनिश देख रहे हो ये पूरी मेटल के में मिल जाती है, जो कि मुझे इसका लुक्स बहुत अच्छा लग रहा है। इसको ये जो इसमें क्रोम दी गई है इसको इन्हेंस कर रहा है, और इसका जो ऑन ऑफ बटन दिया ये भी क्रोम का दिया हुआ है जो कि मेटल का है, तो ये इसको बहुत सुंदर बना देता है डिजाइन को और बहुत अट्रैक्शन लुक दे सकता है, ठीक। तो ये मुझे इसमें थर्ड बेनिफिट इसमें बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और अब बात करते हैं इसके फोर्थ बेनिफिट के बारे में। तो गाइज इसका जो फोर्थ बेनिफिट है उसमें मुझे सबसे बढ़िया लगा इसका लुक्स, आप देख सकते हो इसका लुक्स डिजाइन और बहुत स्टाइलिश एक तरह से ये हैंडल भी बहुत अच्छे से हो जाती है, तो ये मुझे
बहुत अच्छा लगा इसका फोर्थ बेनिफिट, क्योंकि इसका लुक्स और बहुत स्टाइलिश टाइप का ये ट्रिमर हमें मिल जाता है। और जो इसके अंदर फिफ्थ बेनिफिट है वो ये है भैया कि इसकी जो आपको वारंटी मिल जाती है कंपनी की तरफ से 2 साल की मिल जाती है, जो कि 2 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी ट्रिमर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा सर्विस सेंटर चले जाओ भैया, वहाँ से आपको नया मिल जाएगा अंडर 2 ईयर्स की, ठीक है। अगर 2 साल से पहले इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो ये इसका फिफ्थ बेनिफिट मुझे बहुत बढ़िया लगा। और अगर बात करी जाए इसके सिक्स्थ बेनिफिट के बारे में, तो सिक्स्थ बेनिफिट में मुझे सबसे बढ़िया जो लगा ट्रिमर यूज़ करने में, जो हमें साउंड आती है वो हमारे कान को बड़ा इरिटेट कर देती है। आप इसका साउंड देख सकते हो गाइस, बहुत ही नॉइज साउंड है इस ट्रिमर का, मतलब फील नहीं हो रहा है कि हम कोई ट्रिमर ऑन करके यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे इसका जो साउंड क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा इसके अंदर। और अब बात करते हैं 7th बेनिफिट के बारे में भैया, 7th पॉइंट पे आ गए हम। तो अब आपने सारी चीज तो देख ली, अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आ रही होगी कि यार इतनी सारी चीजें तो बता दी लेकिन इसका प्राइस कितना होगा। तो भैया इसका प्राइस बहुत सस्ता होने वाला है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका प्राइस शो कर दूंगा और स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है।